हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब सियासी माहौल और दिलचस्प होता जा रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में लोकसभा चुनाव साथ में लड़े कांग्रेस और आप के बीच इस विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों में बात नहीं बन पाई और डील फाइनल नहीं हुई। वहीं गठबंधन को लेकर कई दौर की बातचीत के बाद सोमवार को आखिरकार आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट है। वहीं दोनों पार्टियों में बात नहीं बनने के पीछे कई दावे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रभावशाली नेता ने गठबंधन की संभावनाओं पर पानी फेर दिया, जबकि राहुल गांधी दोनों पार्टियों के गठबंधन को लेकर इच्छुक थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से बताया गया कि मतभेद पसंदीदा सीटों को लेकर थे। हालांकि कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हो पाने के पीछे की जो मूल वजह है वो है सीट बंटवारे पर आम सहमति नहीं बनना। शुरुआत में आपने कांग्रेस से 90 में से 10 सीटों की मांग की, लेकिन कांग्रेस 5 सीटें देने को ही राजी हुई थी। आपके नेताओं ने काफी चर्चा परिचर्चा गहन मंथन और राजनीतिक हालातों के मद्देनजर 5 सीटों पर हामी भर दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदल लिया। अब कांग्रेस ने 3 सीटों की पेशकश आम आदमी पार्टी से की। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जिन 3 सीटों की पेशकश की है वो बीजेपी के गढ़ थे, यानी आपके लिए उन सीटों पर कोई चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी थी। वहीं इस गठबंधन के न होने की वजह हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि हुड्डा किसी भी सीट को आपके लिए छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि कांग्रेस का संगठन हरियाणा में सभी सीटों पर मजबूत स्थिति में है और आपके साथ किसी भी तरह के गठबंधन से पार्टी के अंदर बगावत सुर और भी तेज हो सकते थे और इसी के लिए दोनों पार्टियों में गठबंधन नहीं हो पाया। हालांकि इस पूरे मामले में आपकी हरियाणा इकाई के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा है ये आप खुद सुन लीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बहुत जल्द शाम तक आपको दूसरी लिस्ट देखने को मिलेगी। अभी तक जो भी प्रयत्न हुए गठबंधन के, आपको लगता है कि सफल नहीं हुआ, गठबंधन नहीं होगा? अब चुनाव में समय कितना बचा है, लगातार एक चीजें चली और अब 3 दिन नॉमिनेशन के बचे हैं, तो 3 दिन के अंदर अब सारे उम्मीदवारों को लाइनअप करना है, जो कि स्क्रूटनी हमारी चल रही है। उम्मीदवार हमारे एक एक सीट पे कई कई उम्मीदवार लाइन पे हैं और एक अच्छी मजबूत सशक्त विकल्प आम आदमी पार्टी हरियाणा में देगी। अभी तक जितना लंबा बातचीत खींचा, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को उससे नुकसान हुआ? आपके कई लोग दूसरी पार्टियों में शामिल हुए इस दौरान, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति थी, अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे? देखिए, राजनीति में कभी नुकसान के लिए राजनीति नहीं होती। आम आदमी पार्टी एक व्यवस्था बदलने की राजनीति लड़ाई लड़ रही है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे संयम के साथ मैदान पर डटा रहा। पूरी संयम के ही हमने परीक्षा दी और उसके बाद अपने अपने लिस्ट जारी कर। संयम की परीक्षा, आपको लगता है कि उसका परिणाम सकारात्मक नहीं आया, आपके लिए सकारात्मक क्या? मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए परिणाम सकारात्मक होंगे और हरियाणा से बीजेपी जाए। एक अंतिम सवाल सर, अभी क्योंकि राहुल गांधी ने इसका संकेत दिया था कि गठबंधन होना चाहिए, इसमें संभावना तलाशा जाए, आपको लगता है कांग्रेस के पार्ट पे गलतियां रही कि गठबंधन नहीं किया गया? मैं किसी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अंदर नहीं जाना चाहता। मैं हरियाणा की व्यवस्था को बदलने की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी उसके अंदर कामयाब होगी। आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली सूची में आपका नाम मुझे नहीं है। ये पार्टी का निर्देश होगा। पार्टी मेरी ड्यूटी अगर 90 विधानसभाओं पे लगाएगी तो मैं 90 पे रहूंगा और मेरी ड्यूटी 1 पे लगाएगी तो मैं 1 पे रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।